एक टाइम ऐसा भी था जब ज्यादातर कार कंपनी सिर्फ सेडान्स ही बनाया करती थी, लेकिन आज के टाइम पर सिर्फ कुछ कंपनीज ही सेडान्स बनाने का खतरा उठा रही है। वैसे एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि आज के टाइम पर सेडान्स की सेल्स ना के बराबर क्यों हो गई है। इन सबका सबसे बड़ा कारण है हम इंडियंस की फेवरेट कार एसयूवीज और क्रॉसओवर। लेकिन इंडियंस को यह समझना भी बहुत जरूरी है कि लोग जितना पसंद आज एसयूवीज को कर रहे हैं, उतनी जरूरी सेडान्स भी है लोगों के लिए। वैसे सेडान्स की शुरुआत यहां से हुई थी, जो आपने कहीं ना कहीं इंडियन चाइनीज और पुरानी मूवीज पर एक बॉक्स शेप की चेयर या वैगन होती है जिसको दो या चार लोग उठाकर चलते हैं अपने कंधों पर। इन चेयर्स पर या तो बहुत अमीर लोग बैठा करते थे या फिर नई नवेली दुल्हन। यूरोप में शुरुआती 1600s के अंदर इन्हीं चेयर्स को यूरोप के अंदर सेडान चेयर्स बुलाया जाता था। पर रियल में सेडान एक थ्री बॉक्स शेप वाली कार को बोला जाता है जिसमें इंजन, ऑक्यूपेंट्स और लगेज के लिए तीन डिफाइंड कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब जानते हैं कि आज के टाइम पर सेडान्स क्यों इंडियंस के लिए एसयूवी से ज्यादा जरूरी है। एक सेडान को लेने का सबसे बड़ा फायदा है बेटर एरोडायनामिक्स। एक कार को डिजाइन करते समय एरोडायनामिक्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आप जब चलती गाड़ी में से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ में पीछे की ओर प्रेशर पड़ता है। एरोडायनामिक्स के मुताबिक एक सेडान की पीछे वाली विंडो ज्योमेट्री और टेल की वजह से एयर बहुत ही स्मूथली गाड़ी से सेपरेट होती है किसी भी एसयूवीज के मुकाबले। इसके अलावा एसयूवीज के लंबे डिजाइन की वजह से इनके फ्रंट में बहुत ही बड़ा एक सरफेस एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एयर का ड्रैग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओवरऑल सेडान्स के एरोडायनामिक्स सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? सेडान्स की अपने बेटर एरोडायनामिक्स की वजह से एसयूवीज के मुकाबले फ्यूल एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब एग्जांपल जैसे वर्ना और क्रेटा को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें वर्ना में कंपनी क्लेम माइलेज 18.6 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है, वहीं क्रेटा के अंदर 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। इसके अलावा सेडान्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है, मतलब आप सेडान्स को एसयूवीज के मुकाबले ज्यादा स्पीड में बहुत स्टेबिलिटी के साथ चला सकते हैं। और अगर हम इंडियन रोड्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास एक स्टेबल कार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां गाड़ी के सामने अचानक से कुछ भी चीज आ जाना बहुत आम बात है। जैसे आजकल गाय भैंस जैसे आवारा एनिमल्स की वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसे में एक अगर आपके पास कोई ऐसी कार हो जो बिना पलटे एकदम से अपने डायरेक्शन चेंज कर ले, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सेडान्स को लेने का एक और बड़ा रीजन है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, मतलब सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा। बहुत से टेस्ट के अंदर ये पाया गया है कि जब कोई एसयूवी किसी इंसान को हिट करती है तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं किसी सेडान्स के मुकाबले, क्योंकि जब कोई सेडान किसी इंसान को हिट करती है तो पहला इंपैक्ट पैरों पर ही आता है, इंसान गाड़ी के बोनेट में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आकर गिरता है। लेकिन जब कोई बड़ी एसयूवी किसी को हिट करती है तो इंसान की बॉडी सिर के साथ बोनट से टकरा जाती है। यही कुछ रीजंस हैं कि जिसमें एसयूवीज के एक्सीडेंट्स पर इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, पर एसयूवीज अपनी जगह ऑफरोडिंग के लिए बेटर हैं सेडान्स के मुकाबले। वैसे इन सबको देखते हुए आज भी इंडियंस को सेडान्स खरीदनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको हैचबैक सेडान या फिर एसयूवी में से कौन सी कार ज्यादा पसंद है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना एक विचार कमेंट्स में आकर जरूर बताना।